हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो चार चीज़ जिसे खाकर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, तो बताते हैं आपको वो चार चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी, बहुत अच्छा लगेगा, कमज़ोरी भी ख़त्म होगी। और सिर्फ भिगोने से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो वो चार चीज़ भिगो के ही आपको खानी है। उसमें पानी भी रहता है जिससे आपको आप हाइड्रेट रहते हैं। वो चीज़ें कम से कम 6-7 घंटे आपको पानी में भिगोनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले है ओट्स। ओट्स बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें फाइबर बहुत होता है और ये वेट लॉस भी करता है। और इसमें प्रोटीन बहुत होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, और नेचुरल वे में होती हैं ये सब चीज़ें इसमें। तो इसे आप कर्ड के साथ भी खा सकते हैं और मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो आपको नाश्ते में ओट्स ही लेने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। और दोस्तों, दूसरा है दालें, जैसे चने की दाल है, मूंग की दाल है, एक्चुअली वो सभी दालें जिन्हें आप भिगो के खा सकते हैं, तो वो बहुत ही फ़ायदा करती हैं। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन सी बहुत होता है। तो वो इसे खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती है। भीगी हुई मूंग की दाल और मोठ कब्ज़ में भी बहुत फ़ायदा करती है। पाचन संबंधी समस्या जिनको होती है उसमें भी ये दालें बहुत फ़ायदा करती हैं। वज़न भी घटाती हैं, वज़न बिल्कुल कंट्रोल में रहता है और ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो अगर आप इसे भिगो के खाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करती हैं। स्प्राउट के रूप में अगर आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके बहुत ही फ़ायदा करती हैं। और दोस्तों, तीसरा है जीरा। जीरा को रात में भिगो के आप उसका पानी पिएं और वो जीरा भी खा सकते हैं। उसे आपको डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, गैस का बनना रोक देता है और वेट लॉस में बहुत ही कारगर है। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी बहुत फ़ायदा करता है। इसका जो पानी होता है वो आपके लीवर को मजबूत करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थ निकाल देता है। प्रोटीन, वसा, चीनी का जो नुकसान होता है वो भी इसको कम कर देता है। और फ्रेंड्स, जो टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है ये उसे भी बहुत कम करता है। तो प्लीज़ डायबिटीज़ वाले भी अगर जीरा पानी पीते हैं या जीरा खाते हैं भीगा हुआ, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और चौथा है दोस्तों, कॉपर का पानी। इसमें कुछ आपको भिगोना तो नहीं है, लेकिन आपको एक कॉपर के बर्तन में पानी भर के रात में रखना है और सुबह उठकर इसे पी लेना है। जो पानी भर के आप रख देते हैं तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर अच्छी तरह से घुल जाती है। और जो कॉपर होता है वो कैंसर को भी रोकने में सहायक होता है, बैक्टीरिया को मारता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और पूरी बॉडी को ये फ़ायदा देता है। थायराइड ग्लैंड्स में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। कॉपर की कमी से जो बीमारियां आपको होती हैं वो इससे बचाव करता है। तो वो आप सब भी ये उपाय अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और कॉपर का बर्तन अगर आपके यहाँ ना हो तो आप बाज़ार से लाके इसे कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं उससे हम लोग अनजान होते हैं और हम लोगों को नहीं पता होता है। तो जब ये सब चीज़ों को हम लोग जान लेंगे तो हम लोग बिना कुछ दवाई किए हुए ही स्वस्थ रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना प्लीज़। और अगर चैनल के लिए जो भी फ्रेंड्स न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।